हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्टेनोग्राफी चैनल। माय नेम इज नेहा। जैसा कि हम इस पे चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, जो कि सर्कुलर लूप टू इनिशियल हुक बेस है। हमने लास्ट वीडियो में अपना एक्सरसाइज 49 पढ़ा था और आज हम एक्सरसाइज 50 पढ़ेंगे, जिसमें हमें इंग्लिश दे रखी है और इसको हमें ट्रांसलेट करना है शॉर्ट एंड में। ठीक है, देखिए वैसे तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के करेक्शन के लिए आंसर लेकर आती हूँ, ताकि आप कुछ मिस्टेक करें तो आप उस आंसर के थ्रू अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए आप इसके हम आंसर देखते हैं। देखिए, आप फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वी आर सरप्राइज टू नो फ्रॉम योर फेवर ऑफ द 6th of August ऑफ द एक्सट्रीमली लॉन्ग डिले इन द डिलीवरी ऑफ द सुरे एंड ग्लूकोज फिशर बुक्स। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट एंड देखो आप, वी आर सरप्राइज टू नो फ्रॉम योर फेवर ऑफ द 6th of August of the extremely long delay in the delivery of the सुरे मतलब इस पे ध्यान से देखिए, सरे एंड ग्लूकोस्टर शिर बुक्स। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा, सो फार एज वी कैन डिस्कवर देर इज नो वेरी क्लियर रीजन फॉर द डिले। स्टार्टिंग कैसे होगी, सो फार एज वी कैन डिस्कवर देर इज नो वेरी क्लियर रीजन फॉर द डिले। देन थर्ड पॉइंट हमारा, वी हैव लुक्ड इन टू द केस एज यू मे बी श्योर एंड इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। इसकी शॉर्टिंग कैसे होगी, वी हैव लुक्ड इन टू द केस एज यू मे बी श्योर एंड इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट देखिए, मिस्टर स्ट्रॉन्ग आवर डिस्पैच क्लर्क एक्सप्रेसिंग डिस्क्लेम्स एनी ब्लेम बट इफ पॉसिबल ही विल टेक मोर केयर विद द बुक्स स्टिल टू कम। तो कैसे होगी शॉर्ट एंड देखो, मिस्टर स्ट्रॉन्ग नाम है ये, कोमा आवर डिस्पैच क्लर्क कोमा एक्सप्रेसली डिस्क्लेम्स एनी ब्लेम कोमा बट इफ पॉसिबल देन कोमा ही विल टेक मोर केयर विद द बुक्स स्टिल टू कम देन फुल स्टॉप। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट हमारा, ही विल पर्सनली सरप्राइज द एड्रेसिंग ऑफ द पार्सल। तो स्टूडेंट कैसे होगी, ही विल पर्सनली सरप्राइज अ एड्रेसिंग अबव द लाइन ऑफ द पार्सल्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा, बाय द वे वी होप टू हैव द न्यू ऑक्सीब्रिज मतलब यूक्सब्रिज बुक रेडी वेरी सून, इट विल बी इन द सेम स्टाइल एज आवर क्लासिकल लाइब्रेरी। जैसे शॉर्ट एंड देखो, बाय द वे वी होप टू हैव द न्यू ऑक्सीब्रिज बुक रेडी वेरी सून, इट विल बी इन द सेम स्टाइल एज आवर क्लासिकल लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये आप पॉइंट अच्छे से देख लो, सिक्स पॉइंट है ये, फिफ्थ पॉइंट है, देन हमारे फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे देख लिया आप। अभी फर्स्ट से थर्ड भी देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सरसाइज दिखा दी थी, ये सारे आंसर्स हैं। तो गाइज, इसके आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। यहाँ हमारा चैप्टर 13 फिनिश होता है, जो कि सर्कल और लूप इनिशियल टू हुक बेस था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में मिलेंगे, जो कि चैप्टर 14 होगा। तो गाइज, आपको फर्स्ट से लेकर 13 तक को आपको इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि आपको शॉर्ट एंड लिखनी आनी चाहिए, पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और समझ में भी आ रही होगी आपको वीडियो। तो गाइज, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गुड बाय गाइज, थैंक यू।